बचपन में माता पिता अपने बच्चों को ये जरूर सिखाते हैं कि हमें किसी भी बुजुर्ग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उन्हें मान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है। ये कहानी चालाक बुजुर्ग भी उसी के बारे में है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मुसाफरी कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5 से 6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लोगों को ट्रेन की चैन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चैन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100, 100, 150, 150 रुपए इकट्ठा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए, पूरे मिलाकर 900 रुपए इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफर कर रहा वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों न हम कुछ ऐसा करें कि हम चैन भी खींच ले और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे हम चैन भी खींच लेंगे और फाइन भी न भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों न हम ट्रेन की चैन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पे लगा दे। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चैन खींचने का मजा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़कों से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चैन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चैन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चैन खींची। तभी वह अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपन ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग ने उस अधिकारी के कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपए छीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपए मिले जो कि इस लड़कों ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने वो 900 रुपए इस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्यवाही करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पे पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कहानी का सारांश, हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं, वो ये काम कई साल पहले ही करके बैठे हैं, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी चालाक बुजुर्ग अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।